नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं पेंटिंग केक। ये केक बनाते टाइम कैसे क्या क्या मिस्टेक्स होती है ये आप देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेंटिंग केक के लिए हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेगी। ये ब्रश का सेट है, ये कोई भी केक मटेरियल के शॉप में मिल जाता है। उसके बाद ये जेल कलर्स है, जो भी आप पेंटिंग करोगे वो कलर्स हमें लेने हैं। ये ब्लैक है। उसके बाद मैंने लिया है न्यूट्रल ग्लेस और ये डिज़ाइन के लिए मैंने ये बड़ा वाला नोज़ल यूज़ करूँगी। जो हमने न्यूट्रल ग्लेस लिया था, ये देखिए, इसको हम ऐसे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम अच्छे से सॉफ्ट करके लेंगे। यहाँ पे मैंने वैनिला केक बनाया है। वैनिला केक का स्पॉन्ज कैसे बनाना है ये मैंने ऑलरेडी पेज पे डाला है। और ये केक को मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। सो अभी सिर्फ मैं आपको पेंटिंग करके दिखाऊंगी। और ये मेरा हाथ लग गया है केक के ऊपर। अभी जो हमने नोज़ल लिया था वो इसके ऊपर हम ऐसे प्लेस करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 ड्रॉप ऑरेंज कलर। जितना आपको कलर गाढ़ा चाहिए उतना हम ज़्यादा कलर ऐड करेंगे। अभी हम फ्लैट ब्रश से इसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अगर आपको न्यूट्रल ग्लेज ठीक लग रहा है तो इस पर आप थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। एकदम आराम से और एकदम हल्के हाथ से हमें ये देखिए इसे लगाते जाना है। बिल्कुल भी हमें घाई नहीं करना है, एकदम आराम से। और आपका केक है वो एकदम ठंडा होना चाहिए। आराम आराम से हम इसको ऐसे बॉर्डर देंगे। ये देखिए, ऑरेंज का बॉर्डर देखिए हो गया है। अभी हम ऑरेंज में ये येलो जेल कलर है वो थोड़ा सा ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे और थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करके एक लाइट शेड बनाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ऑरेंज भी ऐड करेंगे। ये देखिए, यस, परफेक्ट शेड है ये। इसको अभी हम सेम सेकंड बॉर्डर देंगे। ये देखिए, धीरे धीरे ही करना है नहीं तो हमारा क्रीम ऊपर उठ के आएगा। ये देखिए, धीरे धीरे करके हमें बॉर्डर कंप्लीट करना है। बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। वही ब्रश से हम ये देखिए कलर मर्ज करके फिनिशिंग देंगे। अभी हम इसके अंदर के साइड में पूरा येलो का शेड देंगे। देखिए, गर्मी के वजह से केक पिघल रहा है तो वो ब्रश में आ रहा है। देखा आपने, इसके ये केक के लिए अपना केक है वो एकदम चिल्ड रहना चाहिए। ये देखिए, ऐसे करते टाइम हमें आजू बाजू का कलर भी ये देखिए इधर भी निकल रहा है। एकदम आराम से हमें करना है अच्छे से। देखिए, अभी हमें ब्लैक से इसे ट्री निकालना है। अब ये करते टाइम एक फ़ोटो सामने रखिए और इसके बाद पेंटिंग कीजिए। एकदम धीरे धीरे हमें ये करना है, एकदम हल्के हाथ से। सेम जैसे हमने न्यूट्रल जेल पे ऑरेंज कलर डाला था वैसे ही न्यूट्रल जेल में हमें ब्लैक कलर डालना है। ये मैं कोकोनट का ट्री निकाल रही हूँ। आई होप आपको ये मेरा पेंटिंग अच्छा लगे। अभी मैं ये देखिए
लीफ निकाल रही हूँ, एकदम हल्के हाथ से हमें करना है। ये देखिए, नहीं तो क्रीम ऊपर आता है। अभी ये ऊपर वाला, ये देखिए, ये देखा क्रीम निकल गया क्योंकि मैंने ज़ोर से किया। ये देखिए, कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है, हम इसमें फिर से कलर फिल कर सकते हैं। अभी हम ये दूसरा वाला ट्री बनाएंगे। अभी हम छोटे छोटे से बर्ड निकालेंगे। अभी हम नोज़ल को निकाल देंगे। नोज़ल के लाइन को हम ऐसे फिनिशिंग देंगे। ये देखिए, और थोड़ा ज़्यादा कलर लगेगा, जेल लगेगा। ये देखिए, एकदम आराम से हमें करना है। ये देखिए, फिल करेंगे और थोड़ा सा कलर लेंगे। देखिए, मुझे वाइट के ऊपर कलर नहीं डालना था पर ये गिर गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे ऊपर हम, मैं ये देखिए ऑरेंज का मैं 2-3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ और मैं आराम आराम से ऐसे स्प्रेड करके लूँगी। ये देखिए, थोड़ा सा मेरे ब्रश को पानी लगाया है, ठीक है, टैप टैप करके ऐसे हम ऑरेंज कलर का सन बनाएंगे। ये देखिए, ख़राब हुआ केक ऐसे हमें रिपेयर करना है और बड़े वाले ब्रश से हम ऐसे फिनिशिंग करके लेंगे। ये देखिए, हमारा पेंटिंग केक बनके रेडी है, इजी एंड सिंपल। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।